अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मत्स्य उद्योग तथा छत्तीसगढ़ की नवीन मछली पालन उद्योग नीति 2022 के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। भारत में मत्स्य पालन की गाथा हड़प्पा सभ्यता के दिनों की याद दिलाती है। इसके अलावा मछली, मछली पालन, मछली व्यापार तथा मछुआरा समुदाय के संदर्भ संगम काल के गीतों में भी मिल जाते हैं। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की महत्ता और भूमिका को आधिकारिक रूप से मान्यता तब मिली जब 1897 में भारतीय मत्स्य अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से राज्यों को मछली और मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए नियम तथा कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन एक सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा है और समय के साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है जो राज्य में खाद्य, पोषण, रोजगार, आय और आजीविका को संबल प्रदान कर रहा है। जशपुर का पाट प्रदेश हो या सरगुजा का अरण्य, बस्तर आदिवासी संस्कृति हो या महानदी की उर्वर धारा, सभी स्थानों पर मत्स्य पालन तथा मत्स्य आखेट से आजीविका का माध्यम बढ़ता जा रहा है। आज मत्स्य पालन क्षेत्र का रूपांतरण पारंपरिक रूप से वाणिज्यिक रूप में हो गया है। छत्तीसगढ़ के पास मात्स्यिकी संसाधनों की प्रचुरता तथा विविधता है। हालांकि मात्स्यिकी और जलीय कृषि राज्य सूची में शामिल हैं, तथापि केंद्रीय सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त तकनीकी, आर्थिक तथा व्यापारिक सहायता प्रदान कर रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। मछली बीज उत्पादन में 5वें तथा मछली उत्पादन के स्थान में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है छत्तीसगढ़ में मत्स्य उद्योग की वर्तमान स्थिति, छत्तीसगढ़ में मछली पालन को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन के लिए कौन सी योजनाएं संचालित हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन के संसाधन कौन से हैं, हालिया घोषित नवीन मछली पालन नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड तथा इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ही राज्य में मछली पालन विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हुए छत्तीसगढ़ में मत्स्य उद्योग की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है। पहला, संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिनमें से 1.96 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल क्षेत्र का 98.09% है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। 2021-22 तक कुल 440 मत्स्य सहकारी समिति इसके सदस्य हैं। दूसरा, मत्स्य तथा थोक व्यावसायिक विपणन हेतु दुर्ग तथा बिलासपुर में 1 एवं रायपुर में 2 थोक मत्स्य बाजार निर्मित किए गए हैं। तीसरा, उपभोक्ताओं को ताजी मछली प्राप्त हो इस हेतु रायपुर, भिलाई तथा खूंटा घाट में 1-1 हाइजीनिक रिटेल आउटलेट प्रारंभ किया जा चुका है। पांचवा, राज्य के मत्स्य कृषकों का फार्मर पोर्टल पर पंजीयन किया गया है। दिसंबर 2022 तक 1.796 लाख मत्स्य कृषक पंजीकृत हो चुके हैं। छठवां, 2020-21 से मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है। इस निर्णय से मत्स्य पालकों को कृषि के समान विद्युत दर, सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण सहायता प्राप्त होगी। सातवां, प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के अंतर्गत लगभग 1750 तालाबों में मत्स्य पालन हो रहा है। आठवां, दिसंबर 2022 तक कुल 322 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा चुका है। नौवां, मछुआ कल्याण कार्यक्रम के तहत मछुओं को आवास सुविधा हेतु अभी तक 1770 मछुआ आवास निर्मित किए जा चुके हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को और अधिक लाभदायक बनाए जाने के लिए कौन से सुझाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुमानित तौर पर लगभग 9500 तालाब मौजूद हैं, जो मुख्यतः निस्तारी तथा मछली पालन के लिए काम में लाए जाते हैं। ऐसे कई व्यावहारिक तथा
प्रासंगिक उपाय किए जा सकते हैं जिनके माध्यम से मत्स्य पालन को और अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। पहला, वन स्टॉप एक्वा शॉप जैसी अवधारणा का विकास किया जाना चाहिए। वन स्टॉप एक्वा शॉप जैसी गतिविधियों के माध्यम से बेरोजगारों को जोड़कर उनकी बेरोजगारी की समस्या को भी हल किया जा सकता है। दूसरा, बंगाल की बेनफिश, केरल की फिश ऑन व्हील्स, कर्नाटक की KFDC के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी फिश फास्ट फूड चेन जैसी अवधारणाओं को विकसित तथा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरा, गोठानों में आयताकार बड़ी टंकियों में बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा सकता है, जिससे गौठानों के स्व सहायता समूह स्वयं प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर हो सकेंगे। चौथा, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन एवं अतिरिक्त उत्पादित बीजों के विपणन हेतु प्रदेश में मत्स्य बीज मंडी का विकास किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में मछली बीजों का एकत्रण कर एक समान दर पर विक्रय किया जाना सुनिश्चित होगा। पांचवा, कृषि में FPO की तर्ज पर मछली बीज उत्पादकों का संगठन FPPO का विकास करके भी मछली बीज उत्पादकों सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। छठवां, राज्य में गुणवत्ता युक्त मछली बीज की गुणवत्ता बढ़ने से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ मत्स्य पालकों को अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित है। स्वस्थ और उन्नत प्रजाति के मत्स्य बीज का उत्पादन कर मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सातवां, ग्रामीणों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा किए जाने से न सिर्फ अवैध पट्टे का प्रचलन कम हो सकेगा, बल्कि ग्रामीणों को मछली पालन से सीधे लाभ होगा। आठवां, मछलियों के लिए आवश्यक कोल्ड स्टोरेज तथा परिवहन के लिए इंसुलेटेड ट्रक, जीवित मछली परिवहन एवं विपणन की सुविधा के विकास हेतु अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। नौवां, कम मूल्य तथा छोटे आकार की मछलियों को संसाधित किया जा सकता है और मूल्य वर्धित उत्पादों को वैक्यूम पैकेजिंग कर ब्रांडिंग करते हुए मांग वाले राज्यों को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दसवां, अलंकारिक महत्व वाली देसी मछलियां जैसे सारंगी, बामी, कोतरी आदि प्रजातियों को सजावटी मछलियों के रूप में पालन कर वैकल्पिक आजीविका के रूप में अपनाया जा सकता है। ग्यारहवां, तालाबों में बायो अवेलेबल पोषक तत्व से बने चारे का प्रयोग को बढ़ावा देने से न सिर्फ तालाब की मिट्टी एवं जल की गुणवत्ता बरकरार रहती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी कायम रखने में मदद मिलती है। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला, परिवहन और भंडारण के पर्याप्त कोल्ड चेन के अभाव के कारण मछलियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जिससे मछली पालकों पर आर्थिक के साथ मानसिक दबाव भी बढ़ता है। दूसरा, राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र में कोई बड़ा प्रसंस्करण उद्योग नहीं है, जिससे मछलियों के परिरक्षण और प्रसंस्करण में अधिक खर्च होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, संचित मछली बीज की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित न हो पाने के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। इसके लिए मछली बीज की गुणवत्ता का निर्धारण एक प्रमुख चुनौती है। चौथा, सामुदायिक तथा गांव के तालाबों में मछली की कम उत्पादकता एक अन्य प्रमुख चुनौती है। ग्रामीणों में जागरूकता की कमी की वजह से नवीन तकनीकों के उपयोग में कठिनाई होती है। पांचवा, मछली उत्पादन के लिए मौसमी तालाबों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। छठवां, मछली फीड की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए कोई समर्पित प्रयोगशाला अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं है। सातवां, छत्तीसगढ़ में देशी मछलियों की प्रजातियां दिन ब दिन घटती जा रही है। मछलियों की जैव विविधता का संरक्षण एक अन्य प्रमुख चुनौती है। आठवां, छत्तीसगढ़ में स्वच्छ मछली बाजार, संगठित मछली बाजारों में बुनियादी ढांचे की कमी आदि से मछलियों और मत्स्य विपणन में चुनौतियां आती हैं। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के प्रसार के लिए कौन से प्रयास तथा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहला, झींगा पालन या पॉलीकल्चर। मत्स्य पालन प्रसार योजना अंतर्गत ST और SC के मछुआरों को झींगा पालन एवं अलंकारिक मत्स्योद्योग के लिए अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया गया है। योजना के अंतर्गत कृषकों को अधिकतम 15,000 अनुदान का प्रावधान किया गया है। दूसरा, मौसमी तालाबों में इस्पान संवर्धन। राज्य में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के हितग्राहियों के 0.50 हेक्टेयर के मौसमी तालाबों में 100% अनुदान पर इस्पान संवर्धन कराकर फ्राई फिंगरलिंग प्राप्त कर अतिरिक्त आय अर्जित करने के उद्देश्य से 2007-08 से यह योजना प्रारंभ की गई है। तीसरा, नाव जाल तथा जाल क्रय की व्यवस्था। राज्य में मछुआ हितग्राहियों को मत्स्य खेत उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2007-08 में प्रथम बार लागू हुआ, जिसमें अधिकतम 10,000 का प्रावधान किया गया है। चौथा, प्रजनक क्रय पर अनुदान। 2015-16 से क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत
हैचरी एवं मत्स्य बीज उत्पादकों का प्रजनक बाजार दर पर उपलब्ध करवाने पर 30% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पांचवा, मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना। 2010-11 से लागू इस योजना के अंतर्गत सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ हितग्राहियों को आइस बॉक्स, तराजू, बांट आदि विक्रय उपकरण क्रय करने हेतु प्रति मछुआरा 6,000 तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छठवां, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन। यह योजना 2009-10 से नवीन रूप में लागू की गई है। योजना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के ऐसे तालाब जिन्हें मत्स्य कृषक पट्टे पर लेने के इच्छुक नहीं है, उन्हें तालाबों का चयन कर 100% शासकीय व्यय से मत्स्य बीज संचयन कराया जाता है। सातवां, छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन को खेती का दर्जा दिया गया है। किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण, कृषि के समान ही रियायतें प्रदान की जा रही हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन के कौन कौन से वर्तमान में संसाधन उपलब्ध हैं। 2022 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए 2.027 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिनमें से 97.5% क्षेत्रफल अर्थात 1.971 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र विकसित किया जा चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उपलब्ध संसाधन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, राज्य में सघन मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाने तथा राज्य के कृषकों को सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण सह प्रदर्शन इकाई की स्थापना रायपुर, अंबिकापुर सहित 14 जिलों में की गई है। दूसरा, राज्य के युवाओं को मछली पालन विषय पर उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला कबीरधाम में मात्स्यिकी महाविद्यालय 2011-12 से प्रारंभ किया गया। तीसरा, राज्य के मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना 2013-14 से की गई थी। चौथा, मात्स्यिकी शिक्षा में विस्तार के लिए द्वितीय पंक्ति के छात्र तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज धमधा दुर्ग में प्रारंभ किया गया था। पांचवा, राज्य की राजधानी नया रायपुर में एक विशाल मत्स्यालय भवन बनाया जा रहा है। मत्स्यालय जंगल सफारी नया रायपुर में स्थापित हो रहा है। छठवा, मत्स्य कृषकों को उल्लेखनीय मत्स्य पालन कार्य हेतु श्रीमती बिलासा बाई केविटिन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि नई मछली पालन नीति जो 2022 को आई की विशेषताएं कौन सी हैं। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा तथा कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, राज्य स्थित खनिज या पंचायत विभाग के अनुपयोगी तथा खाली पड़े खदानों को मछली पालन पर किराए में दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। तीसरा, मत्स्य बीज का उत्पादन कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु मछली बीज गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। चौथा, मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अभी तक सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन अब सहकारिता और मछली विभाग की संयुक्त टीम इसका ऑडिट करेगी। पांचवा, संशोधित नवीन मछली पालन नीति के अनुसार मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की नीलामी के स्थान पर अब 10 साल पट्टे पर दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। छठवा, जनपद पंचायत 10 से 100 हेक्टेयर, 0 से 10 हेक्टेयर ग्राम पंचायत, 100 से 200 हेक्टेयर जिला पंचायत तथा 200 से 1000 हेक्टेयर पर जल क्षेत्र के जलाशय को मछुआ समूह तथा मत्स्य सहकारी समिति द्वारा पट्टे पर आवंटित किया जाना तय किया गया है। सातवां, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठान क्षेत्र स्थित तालाबों में मछली पालन कार्य से समितियों को जोड़ा जाना तय किया गया है। आठवां, मछुआ की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है। मछुआ से तात्पर्य वह व्यक्ति होगा जो अपनी आजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन का कार्य करता हो। नौवा, नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले समस्त जल क्षेत्र नगरीय निकाय के अधीन होंगे, जिसे शासन की नीति के अनुसार 10 वर्षों के लिए लीज पर आवंटित किया जाना तय किया गया है। आइए दोस्तों आप एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड तथा इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य विकास कार्यक्रम के अपेक्षानुकूल संचालन, मत्स्य पालकों के कल्याण एवं मत्स्य पालन से संबंधित अन्य विषयों पर प्रारंभिक सुझाव देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 9 मई 2013 को
छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। रायपुर में स्थित मुख्यालय सहित इस बोर्ड की कार्य अवधि 3 वर्ष की होनी है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। पहला, प्रदेश में मछली पालन हेतु जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियां, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मत्स्य उद्योग को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सुझाव देना। दूसरा, मछली पालन तथा उससे जुड़े कार्यों के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियां तथा कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना। तीसरा, मछली पालन एवं अन्य संबंध कार्य क्षेत्रों में आर्थिक निवेश बढ़ाने हेतु ऋण व्यवस्था के सरलीकरण हेतु सुझाव देना। चौथा, मछली भंडारण तथा मूल्य संवर्धन के लिए वर्तमान विपणन अधोसंरचना को विकासोन्मुखी बनाने हेतु सुझाव देना। पांचवा, वंशानुगत रूप से लगे मछली पालकों का सर्वांगीण विकास एवं उनकी समस्या के निराकरण हेतु सुझाव देना। छठवां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण में मछली पालन की उपयोगिता एवं आने वाली समस्या के निराकरण हेतु सुझाव देना। सातवां, स्थानीय समस्याओं तथा आवश्यकताओं के निराकरण हेतु अनुसंधान का सुझाव देना। आठवां, मछली पालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नौवां, सूखा एवं अल्प वर्षा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए उपाय सुझाना। दसवां, मछुआ कल्याण बोर्ड स्व प्रेरणा से या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनके निराकरण का भी सुझाव देगी। आइए दोस्तों अब एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि देश के आर्थिक विकास में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आया है। भारत सरकार द्वारा मत्स्य क्षेत्र में वृद्धि तथा क्षमता के पूर्ण दोहन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 से लागू की गई है। 2020-21 से 2024-25 तक कुल 5 वर्षों के लिए राज्य में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना क्रियान्वयन के लिए 60% अंशदान भारत सरकार तथा 40% अंशदान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को निम्न अनुदान दिए जा रहे हैं। पहला, जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना। 3 लाख प्रति केज लागत पर व्यक्तिगत 18 तथा स्व सहायता समूह के लिए अधिकतम 20 केज हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। जलाशय में न्यूनतम 8 मीटर गहराई तक वर्ष भर पानी होना आवश्यक है। दूसरा, प्रशीतित वाहन। प्रशीतित वाहन या रेफ्रिजरेटेड व्हीकल के लिए 25 लाख प्रति इकाई तक अनुदान दिया जाता है। उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुँचाने के लिए प्रशीतित वाहन क्रय पर यह अनुदान दिया जाता है। तीसरा, नवीन पालन तालाबों का निर्माण। मत्स्य बीज संवर्धन तालाबों के निर्माण हेतु 2 लाख प्रति हेक्टेयर प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। चौथा, सजीव मछली विक्रय केंद्र। मछली एवं मत्स्य पालन से संबंधित वस्तुओं के परिवहन हेतु हितग्राहियों को 20 लाख प्रति इकाई लागत पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुदान सहायता दी जाती है। पांचवा, मछली चारा की स्थापना करना। बड़ी फीड मिल हेतु 2 करोड़ मध्यम 1 करोड़ तथा मछली फीड उत्पादन की कम से कम 200 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। छठवां, मीठे जल के लिए नए फिनफिश हैचरीज की स्थापना। फिनफिश हैचरी 25 लाख प्रति इकाई लागत की न्यूनतम क्षमता 1.5 करोड़ फ्राई प्रति वर्ष तथा 6 करोड़ स्पान प्रति वर्ष है। मत्स्य उद्योग कम लागत में अधिक लाभ प्रदान करने वाला व्यवसाय है। जन सम्मान की प्रोटीन युक्त आहार के प्रति जागरूकता, शासन द्वारा ऋण रूपी सुविधा तथा मत्स्य उद्योग में वृद्धि के लिए सजगता आदि ऐसे कई कारण हैं जिसने न सिर्फ मत्स्य उद्योग के महत्व को समझा है बल्कि इसे शीर्ष तक भी पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ में समन्वित तथा एकीकृत मत्स्य पालन की सहायता लेकर वैज्ञानिक जल कृषि प्रौद्योगिकों एवं तकनीकों को अपनाकर मत्स्य कृषि की संभावना तथा आवश्यकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन हेतु अंतः स्थलीय जल संसाधन की उपलब्धता, कृषि पर अत्यधिक भार ने मत्स्य पालन को आर्थिक दृष्टिकोण से अपनाना सुनिश्चित किया है। वर्तमान में राज्य एकीकृत मछली पालन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी समय समय पर छत्तीसगढ़ के इन प्रयासों को सम्मानित किया है। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देकर आजीविका, उद्यम, रोजगार
कुपोषण, सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। विश्वास है कि सरकारी प्रयास, व्यक्तिगत उद्यम तथा संस्थागत ऋण उपलब्धता के माध्यम से छत्तीसगढ़ में मछली पालन एक वृहद उद्योग का रूप ले सकेगा, जो न सिर्फ राज्य की वित्तीय स्थापना को मजबूत बनाएगा, बल्कि कुपोषण के चक्र को तोड़ते हुए अतिरिक्त मानवीय कौशल को बढ़ावा देना भी सुनिश्चित करेगा। ऐसी आशा है कि आप इस ऑडियो आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन करके अपना नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।